नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो जैसा कि दोस्तों मैं अपने अक्सर वीडियोस में बात करता हूं कि हम डिफेंस के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्वदेशीकरण की ओर बढ़ रहे हैं और यहां पे भारत की एक प्राइवेट कंपनी जिसने कुछ दिनों पहले ही बहुत अच्छा माइलस्टोन कंप्लीट किया था प्राइवेट प्लेयर होने के नाते, उसने एक और माइलस्टोन काफ़ी अच्छा अचीव किया है और पहली बार दोस्तों भारत में ऐसा हुआ है कि डिफेंस के सेक्टर में किसी कंप्लीट प्रोजेक्ट को किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया है। तो ये प्रोजेक्ट क्या है, ये कंपनी क्या क्या करती है, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों पहली बार भारत में किसी प्राइवेट कंपनी को डिफेंस के फील्ड में इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर है दोस्तों हैंड ग्रेनेड्स का, जो कि आपको पता है आर्मी भी यूज़ करती है और एयरफोर्स भी इसे कुछ क्वांटिटीज में यूज़ करती है। ये ऑर्डर बहुत बड़ा है, 10 लाख हैंड ग्रेनेड्स का ऑर्डर दिया गया है और ये जो हैंड ग्रेनेड होंगे ये रिप्लेस करेंगे हमारे उन पुराने लगभग वर्ल्ड वॉर टू के लेवल के जो हमारे पास हैंड ग्रेनेड है उसको, जो कि आपको नॉर्मली फिल्मों में भी दिखता है कि जिसका फटना कभी भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कोलेट्रल डैमेज भी होता है और बहुत ज़्यादा पैसों का और साथ ही साथ हमारे जो पैसों से कहीं ज़्यादा कीमती हैं हमारे जवान उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये कभी भी कहीं भी कैजुअलिटीज इससे ज़्यादा होती हैं, तो इनको रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन भारत में हमारे पास एक ही ऑप्शन आज तक अवेलेबल था, वो था OFV, जिनके काम करने का तरीका तो मतलब भगवान ही मालिक है उनका आप कह सकते हो। तो उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ में बहुत बार कंप्लेन आ चुकी है, अलग अलग आर्टिकल्स आए दिन आते हैं, कभी उनके किसी आर्टिलरी शेल में इशू आ जाता है, कभी उनके बुलेट शेल में इशू आ जाता है, तो कुछ ना कुछ इशू उनके काम में रहता ही रहता है, प्लस डिलेज होते हैं सब कुछ उनका। मतलब मेरे हिसाब से तो OFV के जो प्रोजेक्ट हैं वो बहुत अच्छा हम कर रहे हैं कि इस तरह धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को एज एन ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, और जब हम प्राइवेट सेक्टर के प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तो हमें साफ अंतर दिखाई देगा कि प्राइवेट प्लेयर जो चीज़ बना रहे हैं और जो OFV बना रहा है उस दोनों में कितना ज़्यादा अंतर है। तो ये जो हैंड ग्रेनेड्स हैं दोस्तों, ये अब भारत की एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है EEL यानी कि इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड, ये कंपनी बना रही है और 10 लाख का ये जो ऑर्डर है ये 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से साइन किया जाएगा और ये जो 10 लाख हैंड ग्रेनेड का ऑर्डर है ये 2 साल में डिलीवर करना होगा इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड को। यानी कि अब पूरी तरीके से ये जो हैंड ग्रेनेड्स है हमारे पुराने वाले वो हट जाएंगे और 10 लाख काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है, तो ये सारे ये नई कंपनी डिलीवर करेगी। ये कंपनी आपको नई हो सकता है लग रही हो, लेकिन ये नई है नहीं दोस्तों, ये पुरानी कंपनी है। 2016 में इसको DRDO ने ये हैंड ग्रेनेड बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की थी और उसके बाद इन्होंने उसी टेक्नोलॉजी बेस पे ये हैंड ग्रेनेड कम्प्लीटली इंडिजीनियस रूप से यानी कि स्वदेशी रूप से डेवलप कर लिया है। और ये वही कंपनी है दोस्तों जिसके ऊपर मैंने कुछ दिनों पहले भी वीडियो बनाया था और बताया था आपको कि भारत की पहली प्राइवेट कंपनी जिसने कि अपना खुद से रॉकेट बनाया है वो यही थी और इनके रॉकेट्स भविष्य में आपको पिनाका में दिखाई देंगे। तो पिनाका के भी जो रॉकेट इन्होंने बनाए हैं उसकी टेक्नोलॉजी तो DRDO ने ही दी है, लेकिन बना ये कंपनी रही है। तो OFV को भी टेक्नोलॉजी तो DRDO ही देती थी, लेकिन जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो तो मैन्युफैक्चरर पे ही डिपेंड करती है कि कौन उसे बना रहा है और वो जिस क्वालिटी के प्रोडक्ट को बनाता है उस हिसाब से वो आगे काम करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टेप है कि हम प्राइवेट कंपनीज़ को हमने ये 400 करोड़ का 10 लाख हैंड ग्रेनेड का ऑर्डर दिया है और मैं बहुत श्योर हूँ कि भविष्य में इनको पिनाका के रॉकेट्स के लिए भी ऑर्डर ज़रूर दिया जाएगा। ये जो हैंड ग्रेनेड है दोस्तों ये पुराने वाले की तरह नहीं है जिसमें एक ही मोड है, इसमें बेसिकली 2 मोड में ये काम करता है, यानी कि इसे मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड आप कह सकते हो। इसमें एक मोड होता है डिफेंसिव मोड, एक मोड होता है ऑफेंसिव मोड। तो जो डिफेंसिव मोड होता है उसमें ये आप हमेशा सेफ रहता है, ये कभी भी इसके ब्लास्ट होने की चांसेस नहीं होते हैं किसी भी कंडीशन में। ऑफेंसिव मोड आप तभी रखते हो जब इसका आपको एक्चुअल में यूज़ करना हो। तो ये बेसिकली 2 मोड पे काम करता है, बाकी डिटेल में मैं जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन ये हमारे स्वदेशीकरण के लिए काफ़ी बड़ा स्टेप है कि भारत में अब ये चीज़ें एक्चुअल में ग्राउंड पे दिख रही हैं आपको कि ऑर्डर अब हम दे रहे हैं प्राइवेट कंपनीज़ को। और मैं चाहूँगा आप लोगों से भी कि आप सपोर्ट करें इस चीज़ों को ताकि हमारी गवर्नमेंट भी मोटिवेट हो और हमारी जो सेना है वो अक्सर ये बात कहा करती है कि प्राइवेट कंपनीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए तो उन्हें भी बूस्ट मिले। जब जनता भरोसा करेगी तो अपने आप चीज़ें और अच्छी आगे होती जाएंगी। आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में, अपने सुझाव को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मनीष, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।